बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब दोस्तों का, मेरे तमाम फ्रेंड्स, तमाम कलीग्स, मेरे फॉलोअर्स सबका तहे दिल से मशहूर हूँ। दोस्तों के साथ आज मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हम आज आए हैं मैरियट होटल इस्लामाबाद, और ये मैरियट होटल इस्लामाबाद जो है एक 5-स्टार होटल है, और यहाँ पर हमें अपनी कंपनी की तरफ से हमारा स्टे है, ऑफिस की तरफ से हमारा स्टे है। यहाँ पर हमारा एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को प्रेजेंटेशन दी है मेडिसिन पे, और काफ़ी इंटरटेनमेंट का माहौल रहा है। हमारे इलाके पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, और मैं तो कहता हूँ कि इट वॉज़ एन अमेजिंग टूर, इट वॉज़ एन अमेजिंग कॉन्फ्रेंस ओवर हियर इन मैरियट होटल इस्लामाबाद। और यहाँ पर हमारा स्टे बड़ा अच्छा था। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था। हिदायत साहब, आप ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद थे, आप तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस्लामाबाद के हवाले से? यार, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। जी, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। जिस तरह आपने कहा कि हमने बहुत इंजॉय किया, 4-5 दिन से हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो असल में होटल का कोई अमर व दखल नहीं होता है इंजॉय करने में। बिल्कुल। असल में ये कि आपके दोस्त जो खासकर जी पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम जो है ना, हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 2 साल के बाद हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी दोस्त हैं GSK के और KPK के जो बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। जी, ये सबसे बड़ी बात थी कि हम 2 साल के बाद मिल रहे थे। हिदायत साहब, एक चीज़ मैंने देखी है, एक इंट्रैक्शन थी, एक कोऑर्डिनेशन थी टीम में, और आज एक स्पेशली हमने जो पहले दिन हमने इंजॉय किया था, शायद ये इंजॉयमेंट हम कभी नहीं भूल पाए। जो अतरण का शोगल हमने किया था, क्योंकि कोविड की वजह से म्यूज़िक का प्रोग्राम कंपनी ने अरेंज नहीं करवाया था, लेकिन हमने जो खुद वहाँ पर क्रिएट किया था एनवायरनमेंट, वो बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट था। बहुत अमेजिंग, क्योंकि अगर आप देखें सुबह से, पहले दिन सुबह से शाम तक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन, तो ये खासकर 2-3 बजे के टाइम में ये बोर हो गए थे। वैसे भी नींद आ जाती है जब आप सुबह से बैठे हों, आप खाना खाएं तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लगती है। तो उस टाइम जो हमने अथान किया है, तो बिल्कुल, तो उसको सब लोगों ने, खासकर जो KPK से बाहर थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। खासकर मेरा और आपका जो वो है कम्बिनेशन था, खासकर स्टेज पे जब आपकी अनाउंसमेंट हुई कि हिदायतुल्लाह महसूद फ्रॉम वजीरिस्तान, एंड ये जो बात थी, ये पूरे कोरम का एक डेकोरेशन पीस था इस बात का, क्योंकि वजीरिस्तान का कोई भी नुमाइंदा GSK में नहीं है। वाहिद हिदायतुल्लाह महसूद है, जो हमारे गुमर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है और एक डॉक्टर है प्रोफेशन के हवाले से, फार्मेसी का डॉक्टर है, और ये काफ़ी अर्सा से GlaxoSmithKline मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अटैच रहा है। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, यादें वाबस्ता हैं, लेकिन इस बार जो हमने इंजॉयमेंट किया है, मैं कहता हूँ कोविड के बाद बहुत अरसे बाद हमें एक रीयूनियन का मौका मिला, और हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा महसूस किया अपने आप को। फिर इस्लामाबाद में हम घूमे फिरे हैं, मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन ये लोग जो है कोहाट से आए थे, तो मैं उनको जुमा बाज़ार लेके गया हूँ। वहाँ पर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके लिए ख़रीदी हैं, और साथ भी हमारे कोहाट का एक और कुलीग था, क्या नाम था उसका? काशिफ वॉज एन अमेजिंग गाय, और yes. उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर हम जो है वहाँ से चले गए F10 मरकज चले गए, F10 मरकज में वहाँ पर ही माहौल इंजॉय किया। फिर हम चले गए अराउंड अबाउट, फिर हम वापस आ गए अपने मंजिल मकसूद पर, क्योंकि रात शाम गए तक हम लोग जो है कंपनी के ऑफिशल्स में हम मसरूफ़ थे, कामों में मसरूफ़ थे। तो इट वॉज एन अमेजिंग टूर, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, यू आर क्वाइट राइट। लेकिन इधर साहब, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अभी जो रिसेंट सिनारियो है हमारे और आपके इलाके में बल्दियाती इंतखाबात का, जो जोर शोर चल रहा है, नाजरीन ने भी मुझे कहा है कि यार इस पर भी थोड़ा सा बात की जाए। जो बल्दियाती इंतखाबात है, इस पर लोग बड़े वो सर्द जो है, बड़े गर्मजोशी से उनके वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या ख्याल है? हमारी जो यहाँ पर वाबस्तगियाँ होती हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो भी नाराज़गी आ जाती है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से? असल में ये जो बलदियाती इंतखाबात है, इसका मकसद ये है कि जी इसका वैसे मकसद यही है कि जो वो है ताकत है, या क्या कहते हैं उसको,
खर्च करना किस चीज़ का या काम करना वो लोकल लेवल पे चला जाए, क्योंकि अच्छा। आप अगर किसी MNA या MPA से काम कराना चाहते अच्छा, हैं मतलब पहले तो मेयर की शक्ल में मिलेगा वो बंदा। बिल्कुल मेयर की शक्ल में, फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर सेलेक्ट करते हैं ना तो वो आपके मोहल्ले का होगा ना जी, आपके इलाके का होगा, वहीं पे रहता होगा, ये नहीं है कि वहाँ पे वो लोगों ने जितवाया और वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो आप एनी टाइम रात आपकी एक्सेस में होगा, आपकी एक्सेस में होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मकसद यही है कि लोग जो है ना वैसे MNA MPA काम नहीं करते, उनसे मुलाकात एक्सेस नहीं है। तो अभी भी अगर इसमें करप्शन हो या ये काम ना करे और ये जो नाजिम और ये काउंसलर पैसे खाए तो ये हमारी अपनी फिर नाकामी होगी, नालायकी होगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। और यहाँ कर आपने जो वक्त गुजारा है 3-4 दिन, मौसम के हवाले से आप क्या कहते हैं, मौसम कैसा रहा इस्लामाबाद? यार मौसम तो अगर देखें तो बिल्कुल ना सर्दी है और ना गर्मी है, लेकिन एक चीज आपने देखी कि खुश्क सर्दी है, बारिश नहीं है जी। वो अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान पे रहमत आए, आमीन आमीन। और इसी वजह से ये आप अक्सर देखें लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जिक कंडीशन, खासकर इस्लामाबाद में तो पोलन की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दो बारिशें हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली ये गर्द गुबार और ये चीज़ें जो है ना, दोस्तों को ये सारी वीडियो चीज़ें दिखाएं, आप थोड़ा सा कैमरा इस साइड पे करें ताकि लोगों को ये भी नज़र आए सारी चीज़ें। या मेरे होटल के लॉबी भी है, लॉबी से एक साइड पे बैठे हैं जहाँ पर ऑफिशियल्स आते हैं और यहाँ पर लोग गैदरिंग करते हैं, मुख्तलिफ 1-to-1 मीटिंग होती है, मीडिया के पर्सन भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, थोड़ा सा बाहर भी दिखा देते हैं, आ जाए थोड़ा सा बाहर भी उस साइड से। ऊपर वो जो यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट ही होता है, इस साइड पर ब्रेकफास्ट ही है, ये आप सारा देख रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट वाला एरिया, अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं वहाँ से। और ये जो एरिया है माशाल्लाह, यहाँ पर ऑफिशियल्स आते हैं बाहर मुल्क से, सफ़ीर वगैरह हो गए सारे, यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं। ये इसकी लॉबी का एंट्रेंस है, लॉबी के एंट्रेंस पे एक खूबसूरत गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है, ये 1922 में ये रोल्स रॉयस के नाम से है, और ये बहुत पुरानी मॉडल है, और ये मेरे ख्याल में बादशाह इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में। ये बादशाह इस्तेमाल करते थे और इसकी हिस्ट्री रही है कायद आज़म के पास, अगर आपने वीडियो देखी हो ना तो इस तरह की, कायद आज़म के पास भी इस तरह की गाड़ी होती थी। ये बहुत पुरानी है, ये जो आप नेचुरल इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये देखें आप, ये माशाल्लाह ये मछलियाँ पानी में मतलब है तैर रही है, और एक नेचुरल सा हब बना हुआ है, और सो क्वाइट अमेजिंग इन्वायरमेंट। ये आप देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आला, ये आप देखिए, ये मछली देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक इन्वायरमेंट है ये जो आपको नज़र आ रहा है सुबह सुबह, ये हम वीडियो बना रहे हैं, बड़ा दिलकश माहौल है, छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये आ गया माशाल्लाह छोटा, क्या हाल है, ठीक है, ये देखिए, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो ये माशाल्लाह, ये देखे, ये अब मछली देखे माशाल्लाह। इधर भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत नेचुरल हैबिटेट है, देखे बहुत ही प्लास्टिक है, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ, बच्चे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस तक एक्सेस नहीं है, है ना, आप पकड़ नहीं सकते उनको, पकड़ो ना, इसको पकड़ो, इसको ये नीचे ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, ये हम लॉबी से, ये मेरे ख्याल लेफ्ट साइड पे आ गए ना, ये लॉबी का लेफ्ट साइड है, ये इस मेरे होटल की जहाँ पर एंट्रेंस है, और ये बॉस ये शॉप्स हैं, ये आप देखिए, ये शॉप्स अगर आप भी सकते हैं, ये शॉप्स हैं, दिस इज अमेजिंग, ये द गिफ्ट शॉप्स है, वो है शॉप से, वैसे अगर कोई आना चाहे यहाँ पे खरीदारी करना चाहे, यहाँ पे अच्छे रेट में आपको जो है ना क्वालिटी चीज मिलेगी। थैंक यू, दैट्स अ गुड, दैट्स अमेजिंग। हम ये देखें बाहर का एनवायरनमेंट, देखो मौसम अबरालूद है, अल्लाह करे बारिश हो जाए,
ये हम सारा दिखा रहे हैं, ये वेस्पा कड़ी है, एक वेस्पा है, आपको मेरियट होटल में दिखाते हैं हम वेस्पा। ये भी एक रेस्टोरेंट समझो, यहाँ पर भी आते हैं ऑफिशियल्स, आते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये भी एक और एंट्रेंस है, यहाँ से भी मेन हॉल की तरफ रास्ता जाता है, और ये भी एक ज़बरदस्त व्यू है आपके सामने। और इस व्यू से आप भी किसी बड़े हॉल की कॉन्फ्रेंस होते हैं यहाँ पे, ये आप देखें माशाल्लाह, इस तरह के खूबसूरत मंज़र फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, जहाँ से भी लोग कराची से आए, लाहौर से आए, लेकिन पैसे वाले गरीब के लिए बेचारा गरीब वाला पाक जो है और नियामतों से नवाजा जाता है, लेकिन ये जो नियामत है ये भी अल्लाह दे देगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। Go on this side. This side. ये आप देख रहे हैं, ये मेरिट होटल का जो खूबसूरत व्यू है, ये मार्क्यू आपको नजर आ रहा है। यहाँ के मेन एंट्रेंस पे हमारे GSK के आप वो होते हैं, और ये ATC के वो है इलेक्ट्रिशियंस जो भी तो काम होता है तो जी। आइए, कम फॉरवर्ड। ये बिजनेस रूम है, बिजनेस सेंटर है, जहाँ पर आपको कोई भी एक्सेस सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आपको मिलेगा। और ये लॉबी है, ये हम लॉबी में आ गए हिदायत भाई, ये लॉबी में आ गए हम लोग, और ये मेन एंट्रेंस लॉबी है मेरिट होटल की। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे ये आप देख रहे हैं गेस्ट, ये आप देखिए, सही था। ये आप देख रहे हैं, ये सारे ब्रेकफास्ट लगे हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं।